स्माइल कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो लेकिन पीले दांत ना सब बेकार कर देते हैं, साथ ही कॉन्फिडेंस को भी कर देते हैं कम। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप मिनटों में पा सकते हैं मोती जैसे चमकने वाले दांत। तो मैं बबीता एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका छोटी सी रसोई में। इसके लिए हमें चाहिए चारकोल पाउडर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं वो भी आपको बताऊंगी कि आप घर में कैसे चारकोल पाउडर बना सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमें चारकोल पाउडर लगेगा और इसी में लगभग दो चुटकी मैं ऐड करूंगी मीठा सोडा। अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी और साथ ही इसमें ऐड करूंगी कुछ बूंदे सरसों के तेल की। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, मसूड़ों में स्वेलिंग होती है तो आप इसमें सरसों के तेल की जगह ऐड कर सकते हैं लौंग का तेल, जिससे ना सिर्फ आपके दांत चमकेंगे बल्कि आपको जो दांतों में दर्द की दिक्कत है उससे भी आपको आराम मिलेगा। जब से ब्रश और पेस्ट की उत्पत्ति हुई है ना, तब से ही हम लोग के दांत खराब होने शुरू हुए हैं। पहले लोग डेली ब्रश नहीं करते थे, पेस्ट यूज नहीं करते थे, सिर्फ कोयला और राख इस्तेमाल करते थे और नीम की दतौन इस्तेमाल करते थे, तो उनके दांतों में ना कीड़ा लगता था, ना दर्द होता था और ना उनके दांत टाइम से पहले निकल जाते थे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप चारकोल घर में कैसे बना सकते हो। अगर आपके पास चारकोल पाउडर नहीं है तो आप एक लकड़ी को जला लीजिए और उसको कूटकर, जो उसका कोयला निकलेगा उसको कूटकर आप चारकोल पाउडर बना लीजिए। बहुत ही आसान है। अब ये पाउडर तो बनकर तैयार हो गया है, अब इसको यूज कैसे करना है। ब्रश करने के बाद इसे चुटकी भर अपने उंगली और अंगूठे के बीच में ले लीजिए और उंगली और अंगूठे की मदद से हल्के हल्के हाथों से आपको ये मसाज करनी है। लगभग 2 मिनट इसे मसाज कीजिए और फिर आप देखिए पानी से नॉर्मल कुल्ला कर दीजिए और फिर आप देखिए कि आपके दांत कैसे चमक जाते हैं। अगर आपके दांत बहुत ज्यादा पीले हैं तो आप इसे वीक में 2 बार यूज कीजिए और अगर बहुत ज्यादा पीले नहीं है तो वीक में 1 बार यूज कीजिए। रिजल्ट आपको 101% मिलेगा। तो प्लीज इस रेमेडी को यूज कीजिए और अपने दांतों को मोती जैसा चमकाइए और अपना बहुत ध्यान रखिए। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।